जो एक्चुअली उस जिसके पास कोई होप नहीं थी जो एक्चुअली वहां पर कैंप में बैठा था और सारी होप्स छोड़ चुका था आपके दिल करी, अच्छा। के करीब सबसे ओके। कौन सी फिल्म रही सारांश या कश्मीर फाइल्स कश्मीर फाइल्स बिकॉज इट इज क्लोजर टू इट इट हैज़ इम्पैक्टेड माई लाइफ दैट इम्पैक्टेड माई करियर सारांश वॉज एन अमेजिंग फिल्म एंड एन अमेजिंग रोल बट आई दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एंड आई पुट माई लाइफ एंड माई क्राफ्ट इन टू इट मैं वो फिल्म के हर शॉर्ट से पहले कहता था अगर ये फिल्म नहीं चली तो मेरा कुछ नहीं होगा मगर इस फिल्म को करते हुए मुझे लगता था अगर मैंने इसका एक भी नोट एज एन एक्टर एज पुष्कर नाथ पंडित फॉल्स किया तो आई विल बी डिस टू मिलियंस ऑफ पीपल हुई मुझे तो सिर्फ स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन और कट के बीच में काम करना था वो बिस्किट वाला सीन है ना बिल्कुल बिस्किट वाला सीन जब मैं कर, कर रहा था तो हमने डिसाइड नहीं किया था इसको कितना करेंगे हमने डिसाइड नहीं किया था मैंने कहा था विवेक को कि यार आई डों कैमरा चलाना मुझे पता नहीं है तो मैं तो सिसक सिसक के फपक फपक के रो रहा था पर उसके बाद मैं तो तैयार होकर अपने घर चला गया था लेकिन उस आदमी का क्या हुआ होगा जो एक्चुअली उस जिसके पास कोई होप नहीं थी जो एक्चुअली वहां पर कैंप में बैठा था और सारी होप्स छोड़ चुका था जिसके घर वाले पंद्रह लोग उस टेंट में सो रहे थे और उसके साथ रियलिटी थी मैं तो फिर भी गर्म सूप पी लिया था शायद जाकर। दैट पर्सन इज हर्ट बाय एनी स्टेटमेंट मेड बाय एनी बडी इन वर्ल्ड आई डोंट वॉन्ट टू फगी बस करो अभी मेरा मेरे को अभी एक्टिंग करनी है अनुपम खेर जी कौन सा कैरेक्टर बी वी प्रधान इन सारांश या पुष्कर नाथ आई थिंक दोथ बोथ आर वेरी क्लोज टू मी बोथ दाइट फॉर दिस्टम दैट वॉज बी वी प्रधान सिस्टम कंप्लीटली डिमोलिश टू फाइट द सिस्टम बिकॉज नो बडी पेड अटेंशन टू हिम पुष्कर नाथ पंडित और द नेक मैन सो वॉज बी वी प्रधान बट पुष्कर नाथ पंडित डिड नॉट हैव द सिस्टम टू हेल्प हिम बी वी प्रधान अकेला आदमी दिल दे दिलदार इंसान था और पंगा लेता था मिनिस्टर के पास चला जाता था बिकॉज उसको लगता था कि दैट्स वाई दैट वॉज ए फिल्म कैरेक्टर अब ऐसे बीवी प्रधान ऐसे पुष्कर पंडित कितने आपको कोर्ट्स के बाहर कस्टम ऑफिसर के बाहर आपको आपको मिलेंगे बट बोथ ऑफ देम पुष्कर पंडित डिड नॉट डाई डिग्निफाइड डेथ ही डाइड होपिंग दैट वन डे ही विल गो बैक होम एंड द आइडिया इज दैट वी शुड ट्राई नाउ टू सेंड पीपल हु हैव बीन आउट ऑफ देयर होम्स ट्राई एंड वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग माई मदर बिल्कुल बत्तीस साल टू लेट पर वापस लेकर जाना है अब यह एक मुहिम है आपकी नहीं कश्मीरी पंडितों की नहीं शायद इस फिल्म के जरिए पूरे देश की मुहिम बन चुकी है अनुपम खेर फॉर ऑलवेज बीग ट्रू एंड स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट थैंक यू वेरी मच खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा